12th फेल फिल्म के डायरेक्टर के बेटे ने रणजी ट्रॉफी में मचाया कोहरम। बॉलीवुड फिल्म इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है, हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा है। वहीं इस फिल्म के इतना लोकप्रिय होने के बाद फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा के लिए क्रिकेट के मैदान से भी बड़ी खुशखबरी आई है। विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा का बल्ला रणजी ट्रॉफी में आग उगल रहा है। अग्नि चोपड़ा ने मिजोरम की तरफ से रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में ही तहलका मचा दिया है। विधु विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा ने मिजोरम की तरफ से खेलते हुए अपने पहले मैच में सिक्किम के खिलाफ दोनों पारियों में 258 रन ठोक डाले हैं। अग्नि जूनियर लेवल पर मुंबई के लिए खेलते हैं, जिसके बाद वो रणजी में मिजोरम की तरफ से खेलने उतरे। अक्टूबर 2023 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए डेब्यू किया और छत्तीसगढ़ के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 5 रन बनाए। मिजोरम की ओर से खेलते हुए अग्नि ने अपनी शानदार क्रिकेट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सिक्किम के खिलाफ मैच में अपनी पहली पारी में 179 गेंदों पर 166 रनों की शानदार पारी खेली है। खेल में मिजोरम के संघर्ष के बावजूद जहां वे सिक्किम की पहली पारी में 442 के मजबूत स्कोर के जवाब में केवल 214 रन ही बना सके, अग्नि का योगदान अहम रहा। उनकी पारी मिजोरम की कुल स्कोर का 3/4 से अधिक था। अपने बल्लेबाजी स्किल को और अधिक करते हुए उन्होंने दूसरी पारी में केवल 74 गेंदों में 92 रन की तेज पारी खेल डाली, जिससे एक उभरते हुए क्रिकेट स्टार के रूप में उनकी कैपेसिटी साबित हुई। ऐसे क्रिकेट न्यूज अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।